खबर है मंदसौर जिले के नगरी से। नगरी में दलोदा तहसीलदार संजय मालवीय व नगर परिषद नगरी के सीएमओ एसआर परमार द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर व्यवसायिक दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। 3 दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई की गई है। साथ ही एक चाय की होटल, एक ऑटो पार्ट्स व एक पंचर सुधारने की दुकान को भी सील किया गया है। इसके साथ ही सब्जी बेचने वालों को भी समझाइश दी गई है। सब्जी बेचने वालों को गाँव में घूमकर सब्जी बेचने के निर्देश दिए गए हैं। एक जगह खड़े होकर सब्जी बेचने के लिए मना किया गया है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक हलचल न्यूज के लिए नगरी से राहुल पवार की रिपोर्ट।